जब आप काम की शुरुआत करने जाएंगे उस समय आपके सामने मोटर किसी भी वैरायटी की मिल सकती है, ठीक है। तो हमें उस हिसाब से आपको तैयार रहना है कि कोई भी वैरायटी की मोटर हमारे सामने आ जाए तो हम उसको कर सकें, ऐसा एक आत्मविश्वास बनना चाहिए। तो अगर मान लो ये ऐसी डिजाइन अगर आ गई जो अपन अभी देखते हैं कि डिजाइन में थोड़ा अगर परिवर्तन आ गया तो आप उसकी पहचान कैसे कर पाएंगे? अगर मान लो ये 36 स्लॉट 18 कोयले हैं और 2 पोल की मोटर है, 2 पोल की मोटर इसका मतलब वो हाई स्पीड की हो गई, 2 पोल मतलब 2800 RPM, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर 2800 या 2850 RPM लिखा हुआ होगा तो ये 2 पोल की होगी, ठीक है। और उसमें कंसेंट्रिक अगर है, कंसेंट्रिक वाइंडिंग कर रखी है, मतलब या छोटी बड़ी कॉइल करनी है तो अपने को वो वाइंडिंग किस टाइप की होती है वो अपन देखें। तो पिच का फार्मूला स्लॉट बटा पोल, ठीक है। स्लॉट बटा पोल करने पर क्या आएगा, 36 बटा 2 करेंगे तो 1 से 18, वैसे स्टैंडर्ड बन गया 1 से 18। ये तो आपका मैक्सिमम हो गया, चाहे तो इसको शॉर्ट अपन कर सकते हैं। तो हमेशा वाइंडिंग जो करते हैं कॉपर की बचत करने के लिए अपन हमेशा शॉर्ट पिच ही करते हैं, कॉपर की बचत होती है, कॉइल छोटी हो जाएगी, कॉपर की बचत होती है। कंसेंट्रिक वाइंडिंग सिंगल लेयर, पिच 2 पोल के हिसाब से इसका पिच था आपका 1 से 18, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सारे 1 से 18 1 से 18 कंटिन्यूस करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस 1 कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 16 कर दो 15 कर दो चलेगा। लेकिन जब आप इसको कंसेंट्रिक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सर कॉपर की बचत हो, कॉपर की बचत करनी है, कंसेंट्रिक करना है, तो इसका जो पिच है 1 से 18, ये तो सबसे बड़ी कोयल हो गई, ठीक है। 3 कोयलों का ग्रुप करना है, फिर इससे एक छोटी करनी है, छोटी कोयल तो 2 से 17 में जाएगी और इससे छोटी कोयल 3 से 16 में चली जाएगी। तो इस प्रकार से 3 कोयलों का ग्रुप आपको बनाना है, क्योंकि ये फेस इनटू पोल करते हैं, 2 पोल है, फेस 3 दूनी 6, 6 ग्रुप आपको चाहिए, 18 कोयले, 36 18, 3 3 का जो सेट बन रहा है आपका, है ना। तो 3 कोयले आप शुरुआत करें, 1 से 18, तो ये आपको इस प्रकार से ये पहली कोयल जो बड़ी वाली, अब इसमें एक बड़ी एक छोटी इस प्रकार से कोयले बनेगी। तो ये बाहर निकला है इसका, ये एंडिंग अगली कोयल के स्टार्ट से जुड़ जाएगा और कोयल इसके अंदर जाएगी, तो इससे थोड़ा कॉपर की है वो बचत हो जाती है, तो इसमें कॉपर की बचत होती है, कॉइल छोटी होगी तो इसको बोलते हैं अपन कंसेंट्रिक वाइंडिंग। मतलब कंसेंट्रिक हो गया तो थोड़ा बड़ी कॉइल, फिर छोटी कॉइल, फिर छोटी कॉइल। हम अगली कॉइल डालने से पहले 3 स्लॉट खाली छोड़ना है, सिंगल लेयर है इसलिए 1 2 3 खाली छोड़ करके, और बड़ी वाली कॉइल आपकी यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से जो बड़ी 18, मतलब इधर से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये बड़ी कोयल आपकी यहाँ पर आएगी, ठीक है। 1 स्लॉट गिन करके इस हिसाब से आप चलते जाओ तो ये आपकी ये सबसे बड़ी वाली जो कोयल है वो बड़ी वाली कोयल यहाँ आ जाएगी, फिर इसके अंदर छोटी कोयल एंड स्टार्ट जोड़ते जाओ, ये छोटी कोयल, ठीक है। इसके बाद फिर एक ग्रुप की कॉइल और है, ये छोटी और आ गई, ऐसे करके आप ये इसका एंड बाहर निकला। अब अगले फेस की कॉइल, फिर सिस्टम अपना वही है, 3 स्लॉट खाली छोड़ना है, 1 2 3 खाली छोड़ जाना, बड़ी कॉइल यहाँ से शुरू करनी है आपको, है ना, बड़ी कॉइल आपको शुरू करनी है यहाँ से, फिर वापस इधर से ही आपको 18 गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये बड़ी कोयल आपकी यहाँ आ गई, ठीक है। ये बड़ी कोयल, तो आपको ये बड़ी कोयल इसके अंदर, फिर अगला जो ग्रुप आया तो इसकी ये छोटी कोयल इसके अंदर जाएगी, ठीक है। एक कोयल और है तो ये एक कोयल और इसमें
इस प्रकार से मिलेगी। तो ये आपका एक ग्रुप ये हो गया। अगला फिर वापस अब यहाँ आकर के देखना है कि तीन स्लॉट अपने भरे हुए मिल गए अपने आप ही। अब तीन छोड़ने सिस्टम यही था, एक ग्रुप डाला फिर तीन छोड़े, ये इसके लिए तो छोड़ के रखे गए, जब आपकी ये वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरी साइड आएगी, इसके लिए खाली छूटते जा रहे पीछे, आगे बढ़ते जाएंगे पीछे खाली है, तो उसमें बाद में फिर लास्ट में वाइंड अप करने के लिए चाहिए। तब ये तीन छोड़ करके अगला ग्रुप यहाँ से स्टार्ट होगा फिर रेड का, और यहाँ से फिर 18 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ पर एक बड़ी वाली कॉइल का ग्रुप यहाँ आएगा आपका। ये बड़ी वाली कॉइल आ गई, ठीक है। तो ये इसका जो एंडिंग है, अगला एक ग्रुप आ जाएगा ऐसे, और दो पोल हैं तो हमेशा ये देखना कि दो ग्रुप जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये हमारा ये एक पोल तैयार हो गया आर फेस का, तो ये दो ग्रुप आर के बन गए, ठीक है। ऐसे ही अब वाई का फिर ये तीन छूटे हुए मिल गए अपने को, है ना। तो बड़ी वाली जो कॉइल है यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से फिर 18 गिनो, एक इसको एक मानना है आपको, इसको एक मानना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 13 14 15 16 17 18। तो ये बड़ी वाली कॉइल यहाँ आ गई, ये बड़ी वाली कॉइल का सिरा ये एक नंबर, और ये इसको आप एक नंबर डाल दो, ठीक है। फिर वहाँ एक नंबर से आया वो वापस, फिर छोटी कॉइल इसके अंदर, छोटी कॉइल इसके अंदर आएगी, है ना, वो छोटी कॉइल इसके अंदर आएगी, ये दो नंबर यूँ चलेगा फिर, ये ऐसे छोटी कॉइल इसके अंदर आई ना, फिर ये भी इसके साथ जुड़ेगा, उधर से वापस आया वो छोटी कॉइल इसके अंदर आई, वो ऐसे ये तीन आ गया, ये तीन नंबर फिर इसके छोटी ऐसे। स्लॉट नहीं डाल रहा हूँ मैं, ये साइड डाल रहा हूँ, कॉइल साइड का जो है ना उसका सीरियल नंबर डाल दिया मैंने, स्लॉट नंबर नहीं है वे, मन में कन्फ्यूजन मत रखना, मैंने ये कॉइल की साइड है, जैसे ये आधी साइड निकली है, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर ये क्रम डाल दिया मैंने, वो जो एक नंबर का जो है उसकी आधी वाली साइड है, जो पूरा जैसे अगर इसमें देखना है तो कॉपी के अंदर पूरे 16 स्लॉट कर दो ना, उनको चिपका दो तो मोटर होगी ना पूरी गोल, तो बीच में से काट देंगे तो ये आधा इधर, तो एक कॉइल तो ऐसी आएगी कि जिसकी आधी आधी होगी, तो आधी साइड इधर है आधी साइड इधर है, तो ये आधी वाली साइड है, एक नंबर की साइड यहाँ आ गई, तो एक नंबर की साइड का जो है ना पीस ये रहा। अब फिर वो सिस्टम अपना वही तीन स्लॉट छोड़ के अगला ग्रुप यहाँ से शुरू होगा, है ना, ये लीड वायर बाहर निकला, अब यहाँ से 18 गिनो, इसको एक मानो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आ गया ये हिसाब पूरा, हैं, ये 18 का आ गया, ये यहाँ पर तीन तो थे, ये चौथा नंबर डाल दो, चार नंबर है ना, यहाँ से जो निकल रहा है ये चार नंबर हो गया, यहाँ से ये वापस आया और इसमें अंदर की ओर जाएगी, ये पांच नंबर, तो ये अंदर की साइड में ही ये पांचवा नंबर यहाँ आएगा ऐसे, ये पांचवा नंबर की जो कॉइल साइड आई है, और फिर इसके बाद एक छोटी इसके अंदर और आएगी, ये आपके छठा नंबर, तो ये छठे नंबर की साइड यहाँ आ रही है, ये स्लॉट आपके भर गए यहाँ से, ये लीड वायर बार ये तो अंदर जा रहे थे, तो ये वाइंडिंग हो गई आपकी कंसेंट्रिक। अब समझ में आ गया कि ये अगर इस डिजाइन की मोटर हो सकता है भाई कोई कंपनी ऐसी बना भी देवे, ऐसी बन भी जाए ना, मान लो आपके सामने इस टाइप की मोटर आ गई, तो फिर देखो हमने सारे डायग्राम बनाए थे उसमें से तो एक भी नहीं आया, ये तो पूरा हट करके है, इसमें तो ये अलग ही टाइप का है, जो हमने जो डिजाइन बनाई है हमने जो सीखा उससे तो अलग टाइप की मोटर आ गई, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं है कि ये अलग पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है कंसेंट्रिक वाइंडिंग करने का भी, और सिंगल लेयर का रखा है, इस टाइप से भी वाइंडिंग होती है, और ये मोटर भी 2800 RPM पे चलेगी, 36 स्लॉट की 18 कूलिंग डाल के रखी हुई है। टर्न और वायर गेज जो है वो उसके हॉर्स पावर पर डिपेंड करता है, तो वो तो आप जब कटिंग करोगे उस समय देख लेना, बाकी बांधने का जो मेथड है
ये सबका कॉमन है, अपना फॉर्मूला बस वही है। नहीं है पहला लीड वायर बाहर निकला यू वन, इसका एंडिंग अगले ग्रुप के एंडिंग से ये एंडिंग एंडिंग जोड़ दिया, ये स्टार्ट बार, तो ये यू टू हो गया। ठीक है, वही अगला ग्रुप लिया, ये वी टू और ये एंडिंग इधर नहीं है, वो इधर निकला है, तो ये एंड का, ये लास्ट वाले से निकलता है ना एंडिंग, एंड का एंड से जोड़ दिया। ठीक है, ये बाहर निकला है, ये आपका हो गया वी वन। और ऐसे ही अगला जो ग्रुप आया ये आपका डब्ल्यू वन, ये एंड अगले एंड से जोड़ दिया और ये आपका सिरा बाहर निकला है ये डब्ल्यू टू। तो ये छः वायर आपके मोटर के निकल गए। तो ये भी एक वैरायटी है कि इस टाइप की मोटर भी आ सकती है अगर आप ये काम करने बैठे हैं और ऐसे मिल सकता है। तो मोटर की ये डिज़ाइनें बहुत सारी हैं, तो आपको ये अलग अलग अभ्यास करना है। बहुत सारे कुछ डायग्राम और भी छूट गए हैं, तो वो आपको सेल्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, और भी कोई शंका अगर है तो अपन दूर कर देंगे। तो ये एक डिज़ाइन थोड़ी सी और चेंज है, अगर आपके पास में ऐसी डिज़ाइन की मोटर आ गई तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ये भी एक वाइंडिंग का, इस पैटर्न से भी वाइंडिंग होती है। ठीक है, और इसको बांधने का तरीका आपको इस प्रकार से करना है, एक साथ तीन कोयले का ग्रुप बना लो, फर्मा ऐसा बना लो, एक बड़ी कोयल फिर छोटी कोयल, छोटी कोयल, वायर काटना नहीं है, तीन कोयले का ग्रुप बना करके एक बार निकाल दिया अलग और फिर आप वाइंडिंग करो। ठीक है, तो मैक्सिमम वाइंडिंग आपको बता दी है हर प्रकार से। अब आप इतने सक्षम हो जाएंगे, शायद हो रहे होंगे या हो जाएंगे, कि अगर सही ढंग से अगर इसको देख लो तो इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप वाइंडिंग कर सकते हो कोई भी मोटर आ जाए तो। ठीक है, अब फिर मोटर की वाइंडिंग कर लो तो फिर अब उसको चलाएंगे। तो अगला काम क्या करना है, स्टार्टर। तो मोटर की वाइंडिंग हमने कर दी, सब कंप्लीट हो गया, हम मोटर बांध दी, अब उसको चलाना है भाई, इसको अब चलाएंगे तो फिर अपन स्टार्टर डी ओ एल एस स्टार्टर टर्न ये स्टार्टर लेकर के ना फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है,